जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों का जो नेवी में ग्रुप सी फायरमैन की भर्ती आई है उसके बारे में। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे दोस्तों लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, एक वीडियो बना दीजिएगा। देखिए, आप लोगों के दोस्तों डिमांड पर, आप लोगों ने जो इतना रिक्वेस्ट किया था उस पर मैंने आपको एक वीडियो दोस्तों दे रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना पूरा वीडियो को, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। कैसे, देखिए आपको दोस्तों एक बड़ा लिफाफा लेना है जिस पर दोस्तों आप लोग क्या, यानी अगर आपको बात करें फॉर्म में दोस्तों, आप लोग अपना नाम लिखेंगे, टू मतलब जहां आपको जाना है उस एड्रेस को लिखना है, ठीक है। उस पर दोस्तों आप लोगों का, जैसे आप लोग उसको वेट करवा लीजिए, आपका 15-20 रुपये का टिकट लगा दीजिए और उसके अंदर एक छोटा लिफाफा डाल दीजिए जिसमें आपके एडमिट कार्ड आपके पास आएंगे, उस पर एक 10 रुपये का लिफाफा लगा दीजिएगा और 2 फोटो उसके अंदर डाल दीजिएगा, इसका एप्लीकेशन भर के, और 10th और 12th की और डोमिसाइल आधार कार्ड चारों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी फॉर्म के पीछे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखिए साथी, यहाँ पर क्या करना है, पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इसको डिपार्टमेंटल है, भाई देखो इसको जो भी साथी हमारा 10th पास है कोई भी इसको फिल कर सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। यहाँ जैसे आपका मान लेता हूँ, आपको क्या अपना नाम दोस्तों आपको स्मॉल लेटर में नहीं दोस्तों, आपको कैपिटल लेटर में, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम मानते हैं राम है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आपको राम दे देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अगले में अपना DOB, जैसे मान लो किसी का है 2/7/1999, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर उसको फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अपने फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम है, यहाँ अपनी मदर का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है, जो भी आपका जेंडर है, तो मैं मानता हूँ आप लोग मेल तो मेल, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, आपके 12 अंक होते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी, जो कि आपकी लेटेस्ट फोटो है, जो 3 महीने से पुरानी ना हो, तो यहाँ पर एक लगा दीजिएगा और 2 लिफाफे के अंदर रख दीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ दोस्तों अपना परमानेंट एड्रेस, देखिए परमानेंट एड्रेस थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिएगा क्योंकि इसमें जगह थोड़ा सा कम रहती है आपकी, और पिन कोड जरूर लिखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस, देखो प्रेजेंट एड्रेस का मतलब दोस्तों दोनों में सेम ही रखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे इस फॉर्म में, आप यहाँ पर देख पाओगे क्या चीज़ आपका दिया है, डेट आप भाई देखो, ये इसको आपको फिल नहीं करना, इसमें आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना, बात खत्म। यहाँ पर दोस्तों आपको एक आपका जो क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सिंपल आपका 10th लिख दो, इसका मतलब आपके पास कुछ और है तो उसको भी लिख सकते हो आप, लेकिन 10th यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। वेदर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, देखो यहाँ पर अगर अदर कुछ है आपके पास तो लिख देना, हालांकि आप लोग फायरमैन के लिए देखोगे तो वहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना। इसके बाद साथ ही आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिया टू बी फिल्ड बाई द अप्लीकेंट, टू बी फिल्ड बाई द अप्लीकेंट, देखिए एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कहीं पर काम करने का तो लिख दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो आप सीधा नो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो लिख दीजिएगा, अक्सर दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं काम किए रहते हैं, कुछ उनको एक्सपीरियंस होता है तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर कुछ भी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ स्टेट क्लेरिफाई वेदर इन द लाइट एंट्री द एबव मीट यू द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड ओवरवेट एप्लीकेबल, दोस्तों यहाँ पर आप ये स्टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, आप इसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, देखिए आपका यहाँ पर जो चीज़ आपको दी है विथ फुल एड्रेस पोस्ट रिकॉर्डिंग द बेसिस फ्रॉम टू द पेगेंट, ऐसा दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ऑफिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा फिल करना है, यहाँ पर आपको कहीं कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कुछ भी दोस्तों आपको और भी फिल नहीं करना, देखिए जहाँ पर आपका ठीक है एडिशनल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर कुछ भी अगर एडिशनल आपके बारे में है ठीक है उसके बारे में लिखना, यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ आपकी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा, मेंशन प्रेफर द पोस्टिंग द ऑर्डर इन द प्रेफरेंस, दोस्तों आप कहाँ पर प्रेफरेंस लेना चाहते हैं जॉब के लिए, 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, चिल्का हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया, जहाँ पर दोस्तों आपको चाहिए अपने हिसाब से आप 1, 2, 3 करके इसमें फिल कर दीजिए, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा उसको पहले डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर अपना सिग्नेचर रखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म आज फिल करके रखा है तो आज की डेट दोस्तों डाल दीजिए 2/11/2023, जो भी आपका है यहाँ पर दोस्तों डाल दीजिएगा, सिंपल इसको आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपको मान लीजिए फॉर्म आपने फिल कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है आपको, अपने 10th की मार्कशीट, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, 10th की मार्कशीट, इसके बाद दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट, ठीक है, दो एक एक फोटो कॉपी, ओरिजिनल मत लगाना, फोटो कॉपी, ठीक है, एक एक, इसके बाद डोमिसाइल की एक फोटो कॉपी, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ये 4 चीज़ें। अगर मान लीजिए आप UR से हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप मान लो OBC SC ST से हो तो सेंट्रल वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको 5ों की फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और सब पर दोस्तों अपने सिग्नेचर करके उस फॉर्म के नीचे अपना स्टेपल कर दीजिएगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा मोड़ के लिफाफे के अंदर डाल दें, और आप लोग क्या करना, ऊपर अपना जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस और जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भेजना भी मैं दिखा दूंगा, वहाँ का पूरा एड्रेस लिख दो, उसके बाद उसके अंदर 2 फोटो डाल देना,
और उस पर एक लिफाफा पतला सा डाल देना जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें 5 रुपये या 10 रुपये का आप लोग वो लगा देना डाक टिकट, और ऊपर भी दोस्तों आप लोग 20-25 रुपये का डाक टिकट लगा के उसको बढ़िया से स्पीड पोस्ट कर देना। तो स्पीड पोस्ट देखिए आपका नहीं एक्सेप्ट होगा, मेरी बात समझिएगा, स्पीड पोस्ट बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि देखो मेरे भाई बता दूँ स्पीड पोस्ट करोगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। आपको सर जर्नल डाक से, ठीक है, जर्नल डाक से आपको उसको क्या कर देना, सेंड कर देना, आपका पहुँच जाएगा आराम से 5-6 दिनों 10 दिनों में आराम से पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को अगर टाइम से भेज दोगे, सब कुछ एकदम फेयर तरीके से लिखोगे, साफ सुथरा, तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। और देखिए बेहतरीन मौका दोस्तों आपका ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। मैं दोस्तों इसको कहीं बेड़े से ऊपर ही लेकर के चलता हूँ, क्योंकि देखिए आपका परमानेंट जॉब है, एक बढ़िया कैरियर दोस्तों, सैलरी भी दोस्तों आपका आसपास वही बनेगी, उससे कम सैलरी आपकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। चलिए ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे लगातार इस चीज़ को पूछ रहे थे सर ये फॉर्म को कहाँ फिल भेजना हमको, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग यहाँ पर कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है मैं कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह भी कर सकते हो, सारी चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों लोग जो पूछ रहे थे सर ये फॉर्म भेजना कहाँ, देख लो यहाँ पर द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SOCRC, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये आपका रखा है, एड्रेस को बहुत ही अच्छे से लिखिएगा साफ सुथरा, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाने, तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि चीज़ें वापस ही आ जाती हैं, तो इसको ध्यान रखना, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप फिल करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी साथियों को।